एसबीसी और एमबीसी के 4% रिजर्व पदों पर नियुक्ति और प्रक्रियाधीन भर्तियों में 5% आरक्षण की मांग को लेकर दौसा में गुर्जरों का अनशन जारी है। गुर्जर समाज से जुड़े तमाम अभ्यर्थी पहले ही सरकार की ओर से घोषित किए गए आरक्षण के मुताबिक खाली पदों को भरने की मांग पर अड़े हैं। दौसा के सिकंदरा में एसबीसी अभ्यर्थियों का धरना और प्रदर्शन अभी भी जारी है। कई दिनों से चल रहे इस अनशन और धरने के बीच गुर्जर शहीद स्थल पर ही महापंचायत बुलाई गई थी, लेकिन बैंसला गुट ने इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी। बैंसला के विरोध के कारण इस महापंचायत में लोग नहीं जुटे, लेकिन गुर्जर नेता हिम्मत सिंह अपने कई साथियों के साथ धरना स्थल पर ही डटे रहे। उन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 2 दिन में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे के आंदोलन की रणनीति जल्द ही बनाई जाएगी। निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार इस मांग पर उचित कार्रवाई नहीं करती है, जब तक नियुक्ति पत्र नहीं देती है, तब तक हमारा धरना गांधीवादी तरीके से जारी रहेगा। यदि सरकार ने 2 दिन और समय देते हैं, यदि सरकार ने 19 तक कोई कार्रवाई नहीं की तो हम 20 के दिन समाज के बीच में जाएंगे और समाज के लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन की घोषणा करेंगे। नहीं, सरकार की तरफ से मैसेज आया, शाम तक उन्होंने कहा कि हम इसका समाधान निकाल रहे हैं और कल की जो वार्ता है उसमें कुछ समाधान निकलेगा। यदि सरकार की तरफ से कल की वार्ता में या आज कोई बात बनती है तो समाधान निकाले, नहीं तो 20 के दिन हम लोग सब समाज के बीच में जाएंगे और आंदोलन की घोषणा 20 के दिन करेंगे। गुर्जर शहीद स्थल पर चल रहे अनशन और धरने पर समाज के पंच पटेलों की पंचायत में सरकार को 2 दिन का वक्त देते हुए चेताया गया है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार गौर नहीं करती तो इसका खामियाजा भी उसे उठाना ही पड़ेगा। अगर सरकार ने 2 दिन में इस समस्या का कोई हल नहीं निकाला तो 20 जून को आर पार के आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। राजस्थान तक के लिए दौसा से लक्ष्मीकांत की रिपोर्ट।